हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सफोलिएटिंग स्क्रब और फेस पैक के बारे में बताऊंगी, जिसे यूज़ करके आप हफ्ते में फेयर स्किन पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सफोलिएटिंग स्क्रब के बारे में बताऊंगी। हम एक बॉल लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच जई का आटा लेंगे। फिर इसमें हम 2 चम्मच ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद हम इसे स्क्रब करेंगे। इस पेस्ट को हम थोड़ा सा लेंगे और फिर हम स्क्रब करेंगे ऐसे गोलाई में घुमा के। धीरे धीरे हमें ये स्क्रब करना है। अगर आपका कम्प्लेक्शन डल है और आप अच्छे स्किन टोन चाहते हैं तो ये स्क्रब ज़रूर ट्राई करें। इसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, और इन्हें यूज़ करने के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जई का आटा स्किन की लगभग सभी समस्याओं को आसानी से दूर करता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो स्किन की समस्याओं को दूर करते हैं। ब्राउन शुगर से स्क्रब करने से आपकी स्किन चमकदार बनती है। इसके यूज़ से फेस से डेड स्किन साफ हो जाती है और स्किन ग्लोइंग बन जाती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व और ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, इसलिए ये स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और स्किन में नमी भरता है। कच्चा दूध एक फेयरनेस एजेंट है, ये आपकी स्किन से ऑयल और गंदगी को साफ करता है और स्किन को टोन करता है। इस स्क्रब को हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इस स्क्रब को करने से स्किन की कई प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, डार्क स्पॉट्स, पिंपल मार्क्स, झाइयाँ। हफ्ते में 2 बार ये एक्सफोलिएटिंग स्क्रब करने से स्किन के डेड सेल्स निकल जाते हैं और स्किन फेयर और ग्लोइंग हो जाती है। तो ये स्क्रब हम 5 से 7 मिनट करेंगे, उसके बाद इसे धो लेंगे, फिर हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। स्क्रब करने के बाद हम फेस पैक अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो फेस पैक के लिए हमें चाहिए चंदन पाउडर, टमाटर का रस, खीरे का रस और नींबू का रस। तो हम एक बॉल में ये चंदन पाउडर लेंगे, इसमें हम टमाटर का रस ऐड करेंगे। खीरे का रस करेंगे और ये नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। पेस्ट बना लेंगे। मिलाने के बाद फिर हम ये पैक अप्लाई करेंगे। इस पैक को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा के रखना है।
इसमें जो हमने चंदन पाउडर यूज़ किया है, चंदन पाउडर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये स्किन को किसी भी ब्रेकआउट या एलर्जी से बचाता है, स्किन में कसावट लाता है, टमाटर फेस के बड़े पोर्स को छोटा करता है, इसमें बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन से ऑयल साफ करने में मदद करता है। लेमन फेस के लिए नेचुरल ब्लीच होता है, ये नेचुरल लाइटनिंग एजेंट होता है। खीरे में विटामिन के, विटामिन सी और मैंगनीज पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस पैक को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा के रखना है। फ्रेंड्स, ये एक्सफोलिएटिंग स्क्रब और फेस पैक आप ज़रूर ट्राई करके देखें। इसे हम हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद इसका स्किन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट।